नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत भाई साहब समय की बहुत कीमत होती है, इसी वजह से मैं 2-2.5 मिनट में वीडियो खत्म कर दूंगा और 2-2.5 मिनट में आपकी बौद्ध चित्रकला तैयार हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी, एमपीएससी, आरएएस, पीसीएस, एनटीपीसी, रेलवे, सभी परीक्षाओं के लिए खास बात तो यह है, ट्रिक से ही हम तैयारी कराते हैं और ट्रिक से ही आपको याद रहेगा। और फ्री में तैयारी करने के लिए आप हमारे इन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने फ्री में तैयारी है, किसी भी मामले में कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। कोई बहुत सारे लोग शुरू में फ्री में बुला लेते हैं, बाद में पैसे चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको इस हाँ बौद्ध चित्रकला देखिए, आप खास बात देखिए इससे कैसे याद रहेगी बौद्ध चित्रकला। ये फोटो सामने आप देख रहे होंगे, तो आप कोई भी गीली मिट्टी ले लीजिए और गीली मिट्टी में ऐसे पहले पैर छाप लीजिए, ठीक है, पैर छाप के फिर बाद में ये ड्राइंग बनाई गई है। तो मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी समझाता हूँ और इस पूरी थ्योरी को समझने के बाद चाहे आप कहीं भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो प्री अथवा मेंस के लिए आसानी से उत्तर लिख पाएंगे एक्यूरेट। और ये करण जीके का अगली वीडियो में देता हूँ मैं आपको, तो अब यहाँ से शुरू कर। इसी प्रकार जैन चित्रकला की भी ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ दिन में कल परसों दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा ग्रुप में, तो मैंने दे दिया है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध चित्रकला में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया है। नंबर एक, दूसरा सांची, बरहूत, भरहूत, बोधगया, अमरावती आदि स्थान पर मिलती है। बुद्ध की जीवनी, जातक कथाएं, फ्रेंस्को टेम्परा तकनीकी। देखो ये फ्रेंस्को टेम्परा तकनीकी क्या है, गीले प्लास्टर पर आकृति उकेरना ही फ्रेंस्को टेम्परा तकनीकी कही जाती है। भावपूर्ण चित्रण कहा गया है, भयमुक्त विचरण करते हुए जानवर है, धार्मिक महत्व के चिन्ह लगाए गए हैं। हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, बिल्कुल फ्री तैयारी करने के लिए 7417445444997295322 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। देखिए आपके मोहल्ले पड़ोस में एक लड़की रहती है प्रकृति, और उससे कहिए कि बुद्धू है, प्रकृति बुद्धू है, गीले प्लास्टर पर धार्मिक चिन्ह बनाती है, गीले प्लास्टर पर धार्मिक चिन्ह बनाती है, प्रकृति बुद्धू है। वास्तव में जो आदमी बुद्धू ही होगा अगर इस समय ऐसे चित्र बनाएगा, मान लीजिए आप इसे, तो प्रकृति का मतलब प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, बुद्धू का मतलब बौद्ध की जीवनी से संबंधित, जातक कथाओं से संबंधित बहुत सारी आकृतियां बनाई गई हैं, और बुद्धू से मतलब बौद्ध चित्रकला। आगे चलते हैं, गीले प्लास्टर, गीले प्लास्टर की तकनीक को क्या बोलते हैं, फ्रेंस्को टेम्परा लिखे आइए अगर आता है तो, नहीं तो गीले प्लास्टर पर चित्रकारी तकनीकी लिखिए। धार्मिक चिन्ह, धार्मिक प्रतीकों का चित्रकारी द्वारा अंकन किया गया है। और देखिए बुद्ध में, बौद्ध के पूरा आप बौद्धित्व पढ़िए तो आपको पता चलेगा दया जरूर है, तो जानवरों को स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हुए दिखाया गया है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा, जो लोग डीप तैयारी कर रहे हैं क्या उनके लिए ये वीडियो काम में आई। हैव ए नाइस डे, बाय।